चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है कोर इंजीनियरिंग के लिए लेकर के। आप लोगों का कमेंट भी आता है कि सर कोर इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिल रही है, कोर इंजीनियरिंग में बहुत बेरोजगारी है, क्या करें क्या ना करें। तो इस पूरे वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी देंगे कि कोर इंजीनियरिंग क्यों बेटर है और कोर इंजीनियरिंग में बेरोजगारी का क्या कारण है। उससे पहले बता दूं, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं कि क्या मेन वजह है कोर इंजीनियरिंग में, कि क्या ऐसा रीजन है कि कोर इंजीनियरिंग का कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ये इशू हो रही है। कोर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मेन रीजन आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप कोर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम कोर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसका क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कोर इंजीनियरिंग में पिछले कुछ टाइम से कोरोना के बाद से ना मतलब हाहाकार ज्यादा मचा है, मतलब कि जॉब नहीं है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, जॉब मिल नहीं रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, जितनी हाहाकार कोरोना के टाइम में थी अब चीजें उतनी अच्छी हो रही हैं, धीरे 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 हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, धीरे धीरे, बहुत स्पीड अप रिकवरी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ वो जितनी तेज से स्पीड अप रिकवरी होना चाहिए था वो थोड़ा सा स्लो है। लेकिन हाँ, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है जितना कोरोना के टाइम में था। आप सोचो ना, टाटा जैसी कंपनियां ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ऑक्सीजन बना रही थी, कोरोना में पैसे की वैल्यू नहीं रह गई थी, कईयों के पास अरबों रुपए थे और निकल दिए। तो इसीलिए मैं लाइफ में बोलता हूँ कि ह्यूमन वैल्यूएशन ज्यादा होना, आदमी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर आदमी की वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियसली पैसा रख करके ही आप क्या कर लोगे लाइफ में, पैसा रख करके आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, पैसा रख करके आप कैसे किस तरह से चीजें कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो आपको समझना होगा फिर उसके अकॉर्डिंग जाना होगा। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप क्या करोगे, चीजें शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, चीजें आपके लिए समझ से बाहर हो जाएंगे और मुश्किलें हो जाएंगी आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजें, मतलब एड ऑन करना कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, तो वहां पे चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और कोर इंजीनियरिंग कर रहे हो ना तो होपलेस मत हो, पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जब आपके पास पेशेंस होगा ना, थोड़ा पेशेंस आप रखे रहोगे तो ऑब्वियसली मतलब वहां पे चीजें लगेगा कहां से क्या हो रही है, कहां से क्या नहीं हो रही है, तो वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप वो चीज नहीं समझोगे तो शायद चीजें मुश्किल हो जाएंगी, मतलब इतनी मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए समझना बहुत, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि आपके लिए चीज समझना जानना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि अगर आप सोचो कोर इंजीनियरिंग में समझ नहीं पाते हो कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सी कंपनी में नहीं जाना है, तो चीजें वहां मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। कोर इंजीनियरिंग में एक और मिस्टेक है, लोग ना इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है लोगों के पास, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज, इंडस्ट्री में क्या काम होता है, क्या इंटरव्यू होता है, किस तरह की चीजें होती हैं। देखो सॉफ्टवेयर लाइन में क्लियर है भाई, कंप्यूटर है, कंप्यूटर बैठकर ये काम करना, चीजें उसी अकॉर्डिंग होंगी, एकदम चीजें ट्रांसपेरेंट है, चीजें जिस तरह से चाहते हो उस तरह से मैनिपुलेट कर लेते हो, चीजें जिस तरह से चाहते हो उस तरह से कर लेते हो। लेकिन अदर फील्ड में ऐसा नहीं है। अदर फील्ड में जैसे आप मान लो सिविल इंजीनियरिंग लो, कंस्ट्रक्शन में जाना है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, तो आपको उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचना पड़ेगा ना इंटरव्यू के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे ना भाई, कि आप घर पे बैठ के सोचो कंस्ट्रक्शन साइट हमारे घर पे आ जाएगी, ऑनलाइन ले लेंगे। ये सिविल मैकेनिकल ये लोग बड़े उस टाइप के लोग होते हैं, रिजिड टाइप में नहीं है, आप खुद आओ उनके पास, ठीक है। आपको जॉब चाहिए तो आपको तो वहां जाना ही पड़ेगा ना, तो उससे डरिए मत, ठीक है। एक बार जाइए, चीजें बहुत अच्छे लोग होते हैं, इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इजिली आपको जॉब पे रख लेंगे, दो चार क्वेश्चन पूछेंगे। ये सॉफ्टवेयर लाइन की तरह 8-8 राउंड नहीं होते हैं कि 8 राउंड होंगे, चेक होंगी चीजें, फिर जाकर के आपको सबमिट की जाएंगी, तो उस तरह से चीजें नहीं है। चीजें उसी तरह से हैं, आपको समझाया जाएगा, जब आप समझ लोगे फिर वहां से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो आपको समझना जरूरी, फिर उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो कोर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अपना पेशेंस लेवल उसी लेवल पे रखो, और जब उस लेवल पे रखोगे तभी जाकर के आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आप अपना पेशेंस लेवल नहीं रख पाओगे तो शायद चीजें मुश्किल हो जाएंगी, शायद चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे तो शायद मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सुधार करना बहुत जरूरी है, और अगर आप सुधार नहीं करते तो शायद चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, क्रेडिट चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जिनको भी करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए वो लोग जाकर careereducation.com वेबसाइट पे विजिट करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।